जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल आप सीखा बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए कुछ बिजनेस आइडियाज के बारे में। वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको कई ऐसी आइडियाज मिल जाएंगी जो आप अपने शहर में अपने गाँव में रह करके उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक आपको हम बताएंगे कि अगर आपके पास किसी बिजनेस के लिए पूंजी नहीं भी है तो बिजनेस की शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। तो चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। अनिल सर आईटीआई का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा तो वहाँ पर हम कई सारे जो एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देते हैं जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल होते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहला आपका बिजनेस की बात करें तो आप अपने एरिया में अपने क्षेत्र में एक रिपेयर शॉप ओपन कर सकते हैं जहाँ पर कोई बल्ब खराब हो गया तो उसकी मरम्मत करना, कोई फैन खराब हो गया तो उसकी मरम्मत करना, फ्रिज कूलर एसी स्विच बोर्ड अन्य कई तरह के इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होते हैं जिसकी जो है आप रिपेयर शॉप खोल सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिपेयर शॉप के, न कि हम सेल्स के लिए। अगर आप कोई सेल्स बिजनेस भी खोलना चाहते हैं कि जैसे कोई पंखा बेचना, कूलर एसी ये सब बेचना, तो इसमें थोड़ा जो है पूंजी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। आपके पास जो बिजनेस के लिए वो जो सामान है उसको खरीदना पड़ता है, लेकिन अगर आप रिपेयर शॉप ओपन करते हैं तो कुछ जो है टूल किट की जरूरत पड़ती है उसको आप खरीदते हैं, बाकी उसी से अपना बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही कम पूंजी में आपका ये बिजनेस शुरू हो जाने वाला है। एक रूम है, रूम में कुछ टूल्स किट है, उसकी सहायता से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और सेल्समैन बनते हैं, मतलब उसके भी वो जो पंखा बेचना, स्विच बोर्ड बेचना, बल्ब बेचना, ये सब अगर बेच रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी सी पूंजी की जरूरत पड़ेगी, तो वो थोड़ा कुछ समय के बाद शुरुआत कर सकते हैं। जब रिपेयर शॉप से कुछ कमा लेते हैं तब आगे जो है उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, सर्विसेज की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे सर्विसेज जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं या होम सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आजकल देखिए तो घर बनता है लोगों के, तो घर बनने के लिए आजकल अंडर वायरिंग का काम चलता है। अंडर वायरिंग का काम आप ले सकते हैं, पूरे घर के पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं कि उस घर में जितने भी बिजली के काम हो तो आप ही कर सकते हैं, वायरिंग का काम तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर घर बन चुका है और घर में किसी प्रकार कोई समस्या आती है तो उसमें जो है आप होम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। लोगों के घर पर जा करके जो भी बिजली संबंधित समस्याएं हैं उसको आप दूर कर सकते हैं और उसकी जो है आप सर्विस चार्ज ले सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया सर्विसेज है, एक और बहुत ही बढ़िया बिजनेस है जहां पर आपको किसी तरह का कोई जो है पूंजी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ही कम पूंजी है। बस आपको लोगों से जो है लोगों के बीच में आपकी जानकारी होनी चाहिए कि जो है आप वायरिंग करते हैं और जहां भी उनको जरूरत पड़ती है तो आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे उसको बताएं दोस्तों। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल शॉप पे आप जाकर के बात करके रखते हैं कि आपके पास और कोई व्यक्ति आता है जो रिपेयर करवाना चाहता है या जो अपना वायरिंग करवाना चाहता है तो आप जो है उनका कॉन्टेक्ट नंबर मेरा दे देंगे ताकि जो है उनको जब जरूरत पड़ेगी तो हमसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो है वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वहां पर आपके पूंजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। और आपके पास वायरिंग का नॉलेज है, सीढ़ी का वायरिंग, स्टेयर या रूफ वायरिंग या अंडर वायरिंग की जानकारी है तो आप ये काम आपको आसानी से मिल जाएगा और साथ ही साथ जो है अच्छी खासी पूंजी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए अच्छी खासी आपको जो पैसा मिलता है वो भी मिल जाते हैं। अगली देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रिपेयर, ये होम सर्विस भी दे सकते हैं या इसके आप दुकान भी खोल सकते हैं। आजकल बड़ी बड़ी जो अप्लायंसेस है बिजली संबंधित, वो फ्रिज कूलर एसी हो गया, ये सभी जो है या तो आपको उसके घर पर जा करके उसको ठीक कर सकते हैं या अपने यहाँ मंगा कर के भी इसकी रिपेयर शॉप खोल सकते हैं तो वहां से कर सकते हैं। ज्यादातर बड़ी बड़ी चीजें हो गई, लोग लेकर जाना नहीं चाहते हैं तो आप उनके घर पर जाकर ये ठीक करेंगे तो उसके लिए और भी ज्यादा पैसे आपको मिल जाते हैं। तो ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका अगर दुकान नहीं है तो जो इलेक्ट्रिकल का दुकान है शहर में जहां जहां पर दुकान है उनसे जो है कॉन्टेक्ट कर लीजिए, उनके पास अपना जो एक कार्ड बनवा लीजिए, आप दे दीजिए कि अगर आपके पास किसी तरह कोई ग्राहक आता है जिनको इस तरह की सर्विसेज चाहिए तो मेरा नंबर दे दीजिएगा, हम वहां पर जाकर कॉन्टेक्ट कर लें। कुछ दुकान को भी पैसे दे दीजिएगा जिससे कि आपका और दुकान का दोनों का हमेशा इंटरफेरेंस चलता रहे और उसको जो कस्टमर आए तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, इस तरह से आप काम कर सकते हैं। चौथा जो है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, आजकल सोलर का चलन हुआ है दोस्तों, देखिएगा तो लोग सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं। गाँव में इसका अभी भी ज्यादा है क्योंकि गाँव में कुछ ऐसे भी गाँव है जहाँ पर अभी बिजली की सुविधा नहीं भी है या बिजली उतने प्रॉब्लम करती है कि लोग ये सोलर ही लगाना चाहते हैं जहाँ से बिजली बिल का भी झंझट खत्म हो जाता है।
इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है, उसके लिए ज्यादा मात्रा पे आपको लगाते हैं तब आपको मिलता है। लेकिन जो भी जो इस सोलर इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बढ़िया ऑप्शन है कि वो यहाँ से जो है सोलर इंस्टॉल करके पैसे कमा सकते हैं। इसमें कई तरह के काम होते हैं सोलर इंस्टॉलेशन में, जैसे कि सोलर पैनल इंस्टॉल करना, सोलर खराब हो गया तो पैनल बदलना, नई सोलर पैनल लगाना, मरम्मत करना, एसी डीसी का जो सिस्टम होता है उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस समय भी आप जाकर के होम सर्विस दे सकते हैं, वहां से जो है रिपेयर कर सकते हैं, या आप जो है किसी सोलर का जो कंपनी है उसके आप कॉन्ट्रैक्ट उसको उसका सामान बेच, जैसे सोलर बेचना, सोलर की बैटरी बेचना, या और भी इसके संबंधित सोलर से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो आप दे सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन है तो ये भी आपके लिए बढ़िया बिजनेस साबित होने वाला है। अगला बात करें तो एलईडी लाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप छोटा सा बैठा सकते हैं, जहाँ से आप छोटे छोटे मात्रा में एलईडी लाइट का मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत कर सकते हैं, और एक समय में इसको धीरे धीरे अपने आमदनी के अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हैं, या आप अपने शहर में रह करके भी कुछ लोगों की सहायता से आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे और भी कई सारे बिजनेसेस आइडियाज हैं जो आप कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगा और एक बेहतरीन जो बिजनेस ये लगा मुझे कि आप जो है अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो शुरुआत में आप जो है होम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। और ऐसे काफी सारे लोग हैं जो मेरे आसपास हैं, जो मेरे आईटीआई से भी किए हुए छात्र हैं, जो आज भी कॉन्ट्रैक्ट लेकर के इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। जैसे किसी का घर बन रहा है, अभी शुरुआत हुआ है तो वहां जा करके कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं कि हम इस पूरी घर को हम पूरा वायरिंग करेंगे, इतना में हम कर देंगे, इतने कम में ही कर देंगे, और आप दो तीन लड़के को भी ले जा करके पूरा वायरिंग कर देते हैं, और तो वहां से अच्छी खासी आपकी आमदनी हो जाती है। उसके बाद दूसरा आपका काम हो सकता है कि आप अपने शहर में जहाँ रहते हैं काम जानते हैं, तो आप पूरे शहर में जितनी दुकानें लगभग सभी पर जा करके अपना एक कार्ड जो है दे दें, ताकि वहां पर जो भी कस्टमर आते हैं उनके घर में कोई बिजली संबंधित समस्या हो गई, कोई फ्रिज खराब हो गया, कोई इससे कुछ भी खराब हो जाता है, तो आपको बुलाए तो आप वहां पहुंच जाए, होम सर्विसेज दे सकते हैं, जिसके लिए आपको पता है कि कोई पूंजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इसके बाद क्या है कि अगर आपको काम नहीं आता है तो उस स्थिति में आपको दिक्कत होने वाला है, तो उसके लिए आप शुरुआत कर सकते हैं किसी भी रिपेयर शॉप पर। पहले सीखने के पर्पज से वहां ज्वाइन कर लीजिए, सीखने के पर्पज से, पैसे किसे मतलब मत रखिएगा, महीना दो महीना के अंदर आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं, या 3 महीना 4 महीना रह करके आप सिर्फ सीखने पर फोकस करिए, और सीखते के क्रम में काफी मेहनत करिए, सीखिएगा तो आप जो है आप होम सर्विस देना शुरू कर सकते हैं। हम भी आपको बता दें शुरुआती टाइम में हमने भी सबसे पहला जो है साइबर कैफे पर रह करके 3 महीना हमने काम सीखा था, और वहां से आज तक हम काफी मेहनत की, और हम काफी सारे जो कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कहां कहां काम किए और काफी चीजें सीखे। आप पहले शुरुआत टाइम में बिजनेस शुरुआत करने के पहले आप पहले किसी रिपेयर शॉप पे जाकर के सीखना शुरू करिए, महीना दो महीना में जब सीख जाइएगा तो होम सर्विस देना शुरू करिए, होम सर्विस से आप पैसे कमाने लगेंगे, तो आप अपना रिपेयर शॉप खोल सकते हैं। रिपेयर शॉप के बाद आप जो है अपना सेलिंग के लिए जो है सेल्समैन भी बन सकते हैं, यानी कि आप सेल्समैन नहीं मतलब अपनी दुकान पर ही जो बल्ब हो गया, फैन हो गया, कूलर, एसी जो है धीरे धीरे बेचना शुरू करेगा। एक बार ऐसा समय है कि आप इन सभी का होलसेल भी बेचना शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआत आप कर सकते हैं किसी रिपेयर शॉप पे काम करके, और आप पहुंच सकते हैं वहां पर जहां पर आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। कैसा लगा ये बिजनेस आइडिया नीचे कमेंट करके बताइएगा, और भी ट्रेड की जानकारी चाहते हैं और या इससे और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।